हमारे छोटे भाई के बड़ी भाई के रथ यात्रा में हम तुमको खूब देखते हैं। पहले तो हमारे समझ में नहीं आया कि ये कौन आदमी है और क्यों इसको लोग घेरे हैं और क्या कर रहा है। कई साल पहले तो लोगों ने बताया है वहां के राजा। हमारा सेवक का परंपरा है हमारा। हमारे परंपरा में जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं महाराजा है, सम्राट है और हम सब उनके सेवक हैं। तो यात्रा में झाड़ू लेके सेवा करने का परंपरा है। जैसे भी हो दीनता आवे, जो आधारशिला है भक्ति की, किरणा जप सुनी के न सरोरप सहिष्णुना, ये जो गौरांग महाप्रभु ने कहा है वो बहुत ही आवश्यक है। भक्तों बहुत साल अपेक्षा में रहे महाराज जी का यहाँ पे आगमन का। बहुत साल से कह रहा था। यही दोनों की कृपा से हम भी आ गए। जबकि महाराज ने 94 में महाराज जी आपके प्रेम रस सिद्धांत का प्राक कथन लिखा था, तो इससे जब रिक्वेस्ट किया इन्होंने कहा पहले मुझे दिखा दो, मैं पूरी पढ़ लूं फिर लिखूंगा। तो उसको उन्होंने पढ़ के खूब प्रशंसा उसमें भर, समझ में तो कुछ नहीं आया। तो कुछ लिख दिया। नहीं ये आजकल तो हमारी स्पीच आती रहती है डेली आस्था और इसमें संस्कार में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा हमको पहले पता नहीं था, स्वामी जी ने बताया कि चल रहा है, तो हम देख बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा चल लो ना। प्रसाद है, महाराज जी ये पूरी जांच करते रहे हमसे कैसा कार्यक्रम सेट हो रहा है, कैसा उसका आयोजन हो रहा है, और एक एक पॉइंट को हमारे साथ डिस्कस किए, सब ठीक तो है। पूरी अरे भाई जिनकी जिम्मेदारी है। जगन्नाथ जी के जन है ना। भक्त लोग बहुत सुंदर कार्यक्रम और सुंदर व्यवस्था करते हैं, बहुत प्रोफेशनल है। ऑटोमेटिक सब हो चलता है। स्वामी जी का ट्रेनिंग इतना पक्का हो गया यहाँ पे कि सबको अपना अपना कार्यक्रम पता है। हम कुछ नहीं कर रहे। और बच्चे भी हैं? चार लड़की। चार? चार। ये सबसे छोटी। और लड़की लड़का नहीं? दिव्या तो सबसे बड़ी है। तुम्हारे बाद में ये कौन करेगा? प्रभु का जो इच्छा। क्या नियम क्या है? अगर अपना लड़का हो तो सबसे प्रथम लड़का जो है उसका सेवा होता है, उसका परंपरा का। अगर अपना लड़का नहीं हो तो हम पुष्य पुत्र का परंपरा है। तो जिसको भी हम गोदी में लेंगे तो वो फिर सेवा। हम तो 3 बार संबलपुर स्पीच दिए 30-30 दिन की। अच्छा। और 3 घंटा रोड। और कटक में 1 बार। इधर नहीं आए वो। अच्छा। कटक तक आए थे। तो जगन्नाथ जी का दर्शन भी पहली दफा। जगन्नाथ जी का दर्शन भी अभी पहले बार। पहली बार हो। हाँ बेटा का परिचय कर लो, ये हमारी बड़ी लड़की है। अच्छा अच्छा। आप भी पहले पधारे हैं उड़ीसा? हाँ पहली बार। अच्छा। हम लोग तो बस 2-3 महीना रहते हैं जन्म स्थान पर प्रयाग के पास है। और 2-3 महीने रहते हैं मसूरी गर्मी में। और बाकी वृंदावन बरसाना। वहाँ अमेरिका में एक हमारे सत्संगी हैं, बाबा जी हैं,
वृद्ध है तो उनका बहुत बड़ा आश्रम है, जैसे अपने इंडिया में बरसाना है ओरिजिनल, ऐसे उन्होंने वहां बनाया है बरसाना। अच्छा, कितने एकड़ में है? 200 एकड़। 200 एकड़ में अमेरिका में, कैलिफोर्निया, टेक्सास। टेक्सास, तो उन्हीं के पास इनको भेजा है। तुम जाकर, और अमेरिका में प्रचारक हमारे हैं, 2-3 प्रचारक और भी हैं, सभी देशों में करीब करीब, जहां जहां हिंदी भाषी भी है, इंग्लिश वाले भी है, मुसलमानी देश छोड़ के बाकी सब जगह हमारे प्रचारक हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, वेस्ट इंडीज में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, हांगकांग में, तो इनको उन्हीं के पास भेजा है, वही पर लेक्चर देते हैं। बहुत अच्छा, अमेरिका में अंग्रेजी तो बहुत अच्छा है समझे का। अब विदेश में उनको भेजते हैं जो इंग्लिश में बोल सके, जरूरी उनको विदेश भेज देते हैं, और जिनको हिंदी में बोलना है इंडिया में ना, उनको सब प्रांतों में अलग अलग कर देते हैं। विदेश में प्रचार सनातन धर्म का बहुत आवश्यक है, तो हम लोग बहुत चाहते हैं, बहुत आग्रह, सब जगह राधे राधे कर दिया विदेशों में। हमने जगन्नाथ जी के ऊपर बहुत बड़ा उनकी स्तुति बनाई है, ये जो गा रहे हैं लोग। अच्छा, इससे समथिंग अभी मैंने हाल में ही, इससे समथिंग रिसेंटली 5 साल, तो उसको स्वामी जी अगर उड़िया में अनुवाद किया जाए तो कैसा रहेगा? उड़िया में अनुवाद नाथों के नाथ, नाथों के नाथ दीना नाथ है जगन्नाथ, ये है पहली लाइन। छत्तीस लाइन का के।